आज एक बैड लक हो गई है, आपको कल दिखाया था ना चूजों की वैक्सीन कर रहे थे और बीमारी हमारे फार्म पे आ गई थी, तो आज एक बड़ा कीमती मुर्ग अब्दुल्ला भाई का जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट था वो इतना बीमार हो गया कि अब्दुल्ला भाई बेहद परेशान हो गए हैं। वो तो उसे पकड़ भी नहीं रहे थे, कहते थे मुझसे नहीं देखा जाएगा, लेकिन ये देखें उसकी हालत कितने मुश्किल से वो सांस ले रहा है। बड़ी कोशिश की है बचाने की लेकिन नहीं बच सका, तो मैंने तो इनको बोला है अब्दुल्ला भाई को कि कोशिश कर लें शायद बच जाए, लेकिन क्या अब्दुल्ला भाई अब आप बताएं इसके बारे में क्या आपको मुश्किल है? चांस तो रही है बिल्कुल ना, ने खुदरा करा कोशिश बड़ी की है, मेडिसिन तो की थी, इनको एंटीबायोटिक भी लगाई है, लेकिन आंखों में सारा वायरस ने ना इसको ज्यादा इफेक्ट किया, इतना ज्यादा इफेक्ट, इंजेक्शन भी लगाए थे सारा कुछ किया कल, लेकिन अभी दूसरे वाले तो सिक्योर हैं, वो ठीक है, वो भी वायरस में ही है लेकिन इस पे ज्यादा हावी हो गया। बस दोस्तों आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे बाकी जानवर बच जाएं, अब इसको तो हम ज़िबा कर देंगे या इसको ज़िबा करके फिर हम दफना देंगे, क्योंकि इसको तो मतलब डिजीज़ ने बहुत ज़्यादा इस पे असरअंदाज हुई है। चलें अब अब्दुल्ला भाई को तसल्ली और हौसला देते हैं कि वो परेशान ना हो, क्योंकि ये इनका मोस्ट ऑफ द फेवरेट बच्चा था और अब तकरीबन ये जवान होने के करीब करीब था, अब इसको हम ज़िबा करके दफना देंगे जी। ये जी बड़े ब्रीडर्स को तेल देने लगे हैं, तेल बड़ा जरूरी है इनके लिए, हमारी कोशिश है कि जो है ना वो तकरीबन 20 ml फी जानवर को तेल दिया जाए, तो ये दो बकरों को बड़ों को तेल और साथ ये ग्राई वाटर मिक्स करके, बड़ा ना 20 cc तेल को, बड़ा 20 cc तेल दे देंगे और साथ जो है इतना ही हम ग्राई वाटर मिक्स कर लेंगे, तो ये बड़े ब्रीडर्स को देंगे, उससे ये है कि ब्रीडर्स का जो हाजमा है वो सेट रहेगा, फिलहाल दो ब्रीडर्स को देंगे, टोटल हमारे पास 3 है, बच्चे को भी आज दे देते हैं, बल्कि तीनों को इंशाल्लाह जो है ना वो हम 30 और ये हो गया जी 40, ये 40 cc हो गया, ये हम दे देंगे बड़े ब्रीडर्स को। ये जी शेख साहब तेल देने लगे हैं शेरे को, देखें बड़ी शाइस्तगी के साथ तेल दे रहे हैं। माशाल्लाह बकरी का दूध निकाल रहे हैं, बच्चों को ना दूध अब निकाल के पिलाते हैं, इसके अंदर घी जो है ना वो शामिल करके, हीर का दूध हम निकाल रहे हैं और इसके बच्चों को पिलाएंगे, देख हम अंदर इसके जो है ना वो ऑयल डाल के, तो ये अब्दुल्ला भाई जो है वो मिल्क निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तंग करती है इसलिए टांगे पकड़ी हैं बकरी, इनको डायरेक्ट ही पिला दिए, ये अजवा के बेटा बेटी इनको डायरेक्ट पिला दिए और इसको जो है वो दूध निकाल के पिलाएंगे, इसके बच्चे जरा बड़े हो गए हैं। चलो चलो दो टाइम दूध पिलाते हैं और साथ वंडा भी जो है ना अब शुरू कर दिया वो। करेगा ऐसी करेगा नहीं। दूसरे बच्चे की बारी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे को करी ना, जब उसको लग जाएगा प्रॉपर निपल फिट हो जाएगा मुंह में फिर ऊंचा करी फीडर,
ये भी माशाल्लाह ये सही पी रहा है, ब्लैक वाले ने थोड़ा सा काम खराब किया है, ये सही पी रहा है जी। दूध पिला के मंडा वगैरह सबको डाल दिया और अपनी अपनी जगह पे बंद कर दिया। अब हम चले जाएंगे घर और कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सब दोस्त, अल्लाह हाफिज़। इनको भी थोड़ी थोड़ी चुस्की लगवा दी है जी, ये अजवा के बच्चे हैं लेकिन ये दूध पी रहे हैं। दूध किसका पी रहे हैं अजवा के बच्चे? हीर साहिबा का दूध पी रहे हैं। हीर का और चिद्रानी का मिक्स है।